किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को आप? मैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं भी मेघवाल समाज से हूँ और मेघवाल समाज का मैं पूरा भारत देश का अध्यक्ष भी हूँ, तो ये हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार में कोई भी अनहोन होती है, वैसे भी डेथ होती है तो ही बैठने आते हैं, और ये मोटे तौर पे मर्डर केस है, ख़त्म किया गया है, तो मैं इस दुख घड़ी में इनको ढाढ़स बंधाने और चीज वास्तविक क्या है उसकी जानकारी लेके और उसके लिए जो भी दोषी हो, और इस घटना के पश्चात प्रशासन, पुलिस इत्यादि का क्या रोल रहना चाहिए, क्या रहा है, इन सब की जानकारियां लेकर और इस परिवार को जो स्थायी लॉस हुआ है, हम लोग भी इस प्रकार बच्चे थे, पढ़ लिख के चीफ मिनिस्टर बन गए, आज MLA बन गए, तो ये इंद्र है, ये देश में अपना नाम रोशन कर सकता था। भगवान अगर मृत्यु देता है तो वो तो किसी को दोष है नहीं, एक दिन आया जाना है, लेकिन विवश करके और एक गरीब परिवार की विवशता को देखते हुए इस प्रकार की मारपीट से जो मृत्यु होती है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। आज के ज़माने में देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए, लोग चांद से पहुंच गए हैं, एक आदमी सक्षम आदमी हिंदुस्तान में जो सक्षम है उसको कोई तू भी कह दे ना तो तू कहने वाले की इस तेजी कर लेते, एक इंसान चला गया। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मैं कांग्रेस का MLA हूँ और हम लोग जो दलित हैं उनकी आज़ादी से पहले हमारी हालत बहुत खस्ता थी, आज हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के पेट में जलन होती है, उस वजह से ऐसी घटनाएं अलग अलग जगह होती रहती है। तो इस घटना की मैं अभी पहुंचा ही हूं, पूरी जानकारी लेके उसमें जो भी अपराधी है उसको जुर्म के मुताबिक सजा दिलाने, और इसमें आज तक चाहे प्रशासन हो या पुलिस हो, जिन्होंने लापरवाही बरती है या उन्होंने भी अत्याचार किया उनको भी सजा दिलाने, और परिवार की सुरक्षा, आर्थिक सहायता, और इस जितेंद्र होता, जितेंद्र को कोई भी सरकार वापस ला नहीं सकती, अल्लाह भी ला नहीं सकता, लेकिन उसकी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन उसके स्थान पे परिवार को किसी को नौकरी देके, ताकि इनके माँ बाप की जो ख्वाहिशें थी वो जो इंद्र पूरी करता तो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आंशिक सहायता के लिए सरकार का जो कर्तव्य है वो पूरी कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस तरीके से अगर परिजनों की मांग थी 50 लाख रुपए, और जो खिलाड़ी लाल जी बेरवा जी उन्होंने भी इसी तरीके की मांग उठाई थी, और परिवार को सरकारी नौकरी देने की, तो इस संबंध में सरकार के साथ भी आपकी वार्ता हुई होगी, या इसको लेकर क्या डिमांड करेगी? अब इसमें ये है कि इनकी आदमी की कोई वैल्यू नहीं आकी जाती थी, करोड़ों रुपए भी है ना, आपको अगर आपके परिवार कह दो 1 करोड़ रुपए देते हैं मेरे को, इन आदमी को दे दो मैं इनका सिर काटूंगा, देंगे नहीं मेरी खास, तो ये मूल्य नहीं आंका जाता, लेकिन संपत्ति है, अपराध किया उनको सजा दिलाएंगे, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो या मूल अपराधी हो, और परिवार की यथासंभव सरकार सहायता करेगी, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं खुद सहायता देने के लिए या सरकार में किसी पद पे नहीं हूँ जो अभी आपको घोषणा कर दूँ, ठीक है ना, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, पूरे भारत में राहुल गांधी जी देखते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमारे जो भी गरीबों पर अत्याचार होते हैं, आपने बाड़मेर का भी देखा होगा, एक बच्ची के बलात्कार के बाद हत्या हुई, तो राहुल गांधी जी खुद उस गांव में आए थे गजरा के पास, ठीक है ना, तो हम लोग जब हमारी पार्टी ने सिर कटा के जेलें भुगत के और देश को आज़ाद कराया, उसका मकसद यही था कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं, आज भी अन्याय हुआ,
बहुत गलत है, मैं भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन इनके न्याय दिलाएंगे और आर्थिक सहायता दिलाएंगे और नौकरी का भी प्रयास करके दिलाएंगे। एक जो एक विधायक जी है उन्होंने इस्तीफा भी भेजा है गहलोत को, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो भी समाज बिंदु है। देखो क्या होता है कि मेरे अच्छे दोस्त है पाना सिंह जी, अशिष्ट है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ कभी इस्तीफा दे दूँ राजी कर लूँ। मारवाड़ी में कहते हैं जूं पड़ती ना जूं, पहले औरतें 80 कड़ी का घाघरा पहनते थे, तो जूं पड़ने से घाघरा थोड़ी फेंकते हैं, जूं को मारते हैं, ठीक है ना। इस्तीफा देना तो अपना हथियार खोना है, मैं अभी MLA हूँ, मेरे पास MLA का हथियार है, तो मैं इनके लिए जो ये लोग चाहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ, और ये गलत कहेंगे तो ये मेरे रिश्तेदार में कह दूँगा अभी आप ही गलत करेंगे, तो जो सही कहेंगे वो मैं MLA नहीं होता तो मैं मदद नहीं कर पाता। मैं MLA हूँ, राजस्थान में 200 MLA मिलके हम राज करते हैं, उसमें मैं हूँ, तो मैं राजस्थान सरकार का एक पार्ट हूँ, इनके सुन के इनके न्याय दिलाएंगे। इस्तीफा दे के इनको राजी करने के लिए नहीं आया भाई, मैं ना इस्तीफा दे रहा हूँ, हाथ में हथियार है, यहाँ जैसे हैं लोगों ने जूठे चलाए, ठीक है ना। अब इनके घर पे डेड बॉडी पड़ी थी, लाठी चार्ज कर दिया, अब जिन लोगों के पेट में दर्द है उन्होंने कह दिया कि इन्होंने पत्थर मारे, अब पत्थर यहाँ है ही नहीं है, यहाँ से मकान वकान गिराते, पिले पिले बने हुए थे ना, गिरा के पत्थर निकालते, आस पास पत्थर दिख रहा है, आप भी घूम के देखना। तो हम लोग उसमें नहीं है, हमारे पास ये MLA वाला हथियार है, ठीक है ना, इनके पास भी हथियार होते, ये तो समझदार कौम है। मेघवाल कौम बहुत ईमानदार है, बहुत नेक है, किसी भी अत्याचार नहीं है, इनके हाथ से कोई कीड़ी भी मर जाती है ना तो हरिद्वार जाते हैं, पाप हो गया, ठीक है ना। तो ये गलत हुआ है, तो MLA का जो हथियार मुझे दिया है वो समाज के सुरक्षा के लिए, अन्य कोई इस्तीफा देते हैं उसके लिए कमेंट्स मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, थैंक यू।